चलिए भाई निकल पड़े हैं। आज ये हम लोग का फर्स्ट स्नो है, फर्स्ट डे का स्नो आप देख सकते हैं। और जल्दी ले चलिए भाई, पेड़ के ऊपर से गिरे नहीं। तो हम आपको अपडेट करते हैं थोड़ा सा कि क्या क्या कैसे कैसे है यहाँ पे। एक्चुअली आपने कल का वीडियो देखा होगा, हमने कल रात में बनाया था। अभी है अक्टूबर चल रहा है यहाँ पे, एंड अक्टूबर में ये हाल है। आप अगर मुझे फॉलो करते होंगे तो मेरे पुराने वीडियोज़ में आपको पता चला होगा कि यहाँ पे कैसे ग्रीनरी थी, स्पेशली इन सब पेड़ों पे। मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए बाओ रिवर की तरफ अगेन जाते हुए देखते हैं क्या है आगे सीन। तो ये जो आपको वाइट वाइट स्नो दिख रहा है, यहाँ पे फुल ग्रीनरी हुआ करती थी, एंड पेड़ देख रहे हैं सारे पतझड़ आ गए हैं, फॉल जिसको बोलते हैं लोग यहाँ पे, एंड इट्स वेरी नाइस। ये थोड़ा स्लिपरी है, ध्यान चलिए चलिए भाई, इतना तेज़ क्यों चल रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा ये देखिए भाई, कनाडा के कैलगरी में। आपने देखा होगा हम लोग मोस्टली यहीं से आते हैं कभी भी बाओ रिवर जाना है तो, एंड कितनी हरियाली रहा करती थी, एंड ये पूरा स्नो से भर गया है। ये जस्ट पहला स्नो है। ये देखिए भाई क्या हाल है इकरा के। इकरा, ये फूहा जैसा तुम्हारे ऊपर गिर रहा, तुम क्या कर रही है इसका? ओ माय गॉड। ये है भाई सीनरी यहाँ का, ये हेलीपैड और ये सब जो चीज़ें हैं सब आइस से भर गई हैं। और हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश किए हैं कि अच्छे से पहन के आए। ये देखिए भाई फोर्स आते हुए कैमरे को मार दिया। ओ नो, आइस में एक डिफरेंट ही मज़ा है भाई। अभी हम लोग आ गए हैं बाओ रिवर, वही बाओ रिवर जहाँ पे हम घूमते रहते थे हमेशा। और एक्चुअली कुछ है नहीं ग्लव्स कुछ, तो बहुत ही सर्दी लग रही है। हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि अभी इतनी जल्दी आ जाएगी यहाँ पे ये स्नोफॉल, तो हमने ग्लव्स लिया नहीं। अब जाके ग्लव्स भी देखना होगा। ये हमने माउंटेन वेयर का पहले से ले लिया था, दैट इज़ गुड। हाँ, बहुत ठंडी है भाई, बहुत ठंडी है। और इकरा जो फुल मस्ती में है, इकरा बोलो। ये देखिए इकरा के देखिए, अरे वाह। ज़्यादा कलरफुल तो नहीं है सीन, बट ये जो ब्राइट वाइट है ना, ज़बरदस्त लग रहा है देखने में, पूरा ब्राइट वाइट। हाँ शायद कैमरे में उतना अच्छा ना है, बट बहुत ज़बरदस्त है। एंड ये देखिए भाई, ये है पूरी सीनरी। तो चलिए कुछ कपड़े के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह का कपड़ा चाहिए, क्योंकि हमें दो दिन का एक्सपीरियंस तो हो ही गया एटलीस्ट। तो हम गए थे एक्चुअली, जब ये लेने गए थे ना माउंटेन वेयर में, तो उन्होंने बोला था कि भाई ये ना वाटरप्रूफ, ये वाटरप्रूफ, ऐसा वाटरप्रूफ, वैसा वाटरप्रूफ। मुझे समझ में नहीं आया भाई वाटरप्रूफ की ज़रूरत क्या है भाई, ठंडी रोकने के लिए मोटा मोटा कंबल जैसा चाहिए हमें। तो वहाँ तक तो समझ में नहीं आया था, वो भाई क्या समझाया मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन कल रात में समझ में आया कि वाटरप्रूफ का मतलब क्या है, क्यों चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये वाला जो मटेरियल है ना, और चाहे ये वाला जो मटेरियल है, ये डिफरेंट है। और इसमें क्या होता है कि जब आपका जो स्नो गिर रहा है तो इसके ऊपर आके यहाँ पे आप देख सकते हैं रुक गया, एंड यहाँ पे आप देखिए ड्रॉप बन गया। ये जब ये ड्रॉप बन जाएगा इस पर, जब ये ड्रॉप बन जाएगा तो क्या होगा, अगर ये वाटरप्रूफ नहीं रहा तो आपके अंदर चला जाएगा, एंड दैट इज़ बैड। तो हम लोग कल रात में गए थे, तो रात में गए थे तो मैं तो ये पहन के गया था, बेगम जो वो जो अपना इंडियन स्टाइल वाला आता है ना अंदर फर वाला, लेकिन उसमें जो कपड़े का जो टेक्सचर होता है वो, तो हो ये रहा था कि जैसे स्नो फॉल हो रहा था ना, उसके बाद से वो थोड़ी देर बाद में पिघल के अंदर घुस जा रहा था। तो इस तरह का इसीलिए यहाँ पे वाटरप्रूफ चाहिए, इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। तो इकरा का भी है ऊपर वाला थोड़ा सा वाटरप्रूफ जैसा ही है, बट ये हम लोग सऊदी से लेके आए थे, एंड मेरा वाला तो वाटरप्रूफ है ही है। भागो 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 भाग जल्दी भाग भाग भाग। ओए लग गया तुमको, फुल्ली टाइट। इकरा को फिर हमने पैक कर दिया। हो बहुत सर्दी है भाई, लग रहा है भाई बहुत सर्दी है। आइस आइस चारों तरफ आइस। तो देख रहे जैसे फवारा, जो बारिश के फवारे नहीं आते हैं वैसे ही फवारे से फेस फिलअप हो जा रहा है अपना। और अब हम लोग जा रहे हैं डॉलरामा, वहाँ देखते हैं ये कुछ ग्लव्स का स्कीम है क्या, है कि नहीं उनके पास स्टॉक।
डॉलरामा बेसिकली एक स्टोर है। और हम लोग भी अब निकलते हुए चलिए भाई ये सब खरीदा गया, ग्लव्स हैं, कुछ कुछ मोजा वोजा ले लिया है डॉलरामा से एंड और भी कुछ कुछ चीज़ें देखी जा रही हैं। पता नहीं मेरी आवाज़ कितनी आ रही है, इन्होंने रेडियो चला के रखा है, 10 मिनट में क्लोज कर रहे हैं, हम चल रहे हैं। ओके वेरी गुड, ये भी एक आ गया, ये भी ज़रूरी था। तो भाई ग्लव्स ले लिया हमने एंड यहाँ पे इकरा तो अभी सो गई हैं, डॉलरामा है, डॉलरामा से ग्लव्स लेके आप लोग निकल चुके हैं। ये देखिए भाई इस भाई का क्या हाल है, पूरा आइस में लिपटा हुआ। तो ये है भाई सिनेरियो यहाँ का, तूफानी सर्दी में इनका हाल देखिए। तो यहाँ पे गर्मियों में हम लोग आके बैठे थे, ये जगह है एंड यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत सा ग्रीन ग्रीन सा था, बहुत मज़ेदार था और अभी इसका नज़ारा ऐसा हो गया। तो चलिए थोड़ा सा और आगे डिस्कस करते हैं कपड़ों के बारे में। तो आप जब भी आए तो ये जो अपना कपड़ा जो होता है ना, जैसे कि जिस पे जो प्लास्टिक जैसा मटेरियल वाला कपड़ा है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक रेन कोट जैसा जो मटेरियल है ना वो काम करेगा, क्योंकि मेन इंटेंशन ये है कि आपको जब भी स्नो फॉल हो कपड़े के अंदर जो है ना ये स्नो घुसे नहीं या फिर मतलब पानी घुसे नहीं। पहला स्नो है तो ये जो आप देख रहे हैं ये जो सरफेस है ना अभी स्लिपरी हुआ नहीं है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा स्नो होगा तो शायद ये बहुत स्लिपरी हो जाएगा, तो चलना बड़ा मुश्किल होगा, तो उसके लिए आपको बूट लेना होगा। तो मेरे पास तो अभी वुडलैंड का है ये वाला, और ये वुडलैंड का काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, इसमें ग्रिप काफ़ी अच्छा है, बट बेगम के पास वो है नहीं, इनके पास नॉर्मल स्नीकर वाले हैं तो वो थोड़ा मुश्किल हो रहा है इनको। ऐसे मुश्किलात से जूझना पड़ेगा भाई, चारों तरफ देखिए रोटी कितारे आइस, मेरे हाथ पे भी आइस, हर जगह आइस, इनके इस पे भी आइस। देखिए भाई लोग जो है अपने अपने गाड़ी में आइस ढोते हुए और हम यहाँ इंतज़ार करते हुए, रेड लाइट के ऊपर भी आइस, हर जगह आइस 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 आइस। फाइनली आ गया भाई लिफ्ट में, अब देख सकते हैं जो स्नो था वो पानी बन गया यहाँ पे। तो अगर ये वाटरप्रूफ नहीं होता तो बड़ा मुश्किल होता, ये सब जितना पानी है घुस गया होता है, देख सकते हैं ना ये सब पानी, तो इसीलिए वाटरप्रूफ होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए घर पहुँच गए, दिखा दिया आपको भाई कि स्नोफॉल कैसा था, पहला एक्सपीरियंस कैसा था, बहुत अच्छा लगा हमें एंड बहुत सर्दी थी बाहर, एक्सट्रीमली हमारे लिए तो एक्सट्रीम सर्दी थी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अच्छी लगी प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें भाई ऐसे ही वीडियोस आपके लिए बनाते रहें और आपको दिखाते रहें कनाडा स्नोफॉल और जो भी लाइफ में अपडेट्स हैं। तो कुछ भी आपको हो, कुछ भी कमेंट्स हैं तो प्लीज़ लिखें, हमसे कुछ रह गया हो तो ज़रूर कमेंट करें ताकि हम आपको बताएँ कि भाई कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके हिसाब से देखने के लिए, तो हम उसको ज़रूर कवर करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, see you, bye bye, take care।